आज 24 अक्टूबर 2019, मीठा मीठा बाबा, कितने मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास, यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम सन्यासियों के सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? वो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं। पहला मोटा मोटा अंतर कि वो तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, आप जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते, सबके साथ रहते हो, परंतु सबसे न्यारे रहते। वो भव जंगल में चले जाते, परंतु उनकी बुद्धि फंसी रहे अपने मित्र संबंधियों में। मित्र संबंधियों में बुद्धि कईयों की कहते नहीं भी है, नहीं भी है, परंतु अपनी वस्तुओं में, अपने शिष्यों में, अपने अखाड़े में बुद्धि फंसी। बुद्धि घर में रहते, तुम सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते, क्योंकि वो समझते ये स्त्री दुख का कारण है, नारी दुख का कारण है, इसलिए नारी को देखना भी पसंद नहीं करते। परंतु हमें क्या सिखाया जाता है, हमें क्या समझ में आता है, हमें रहना उनके साथ है और उनसे न्यारा है। और बाप का प्यारा रहना, बाप के डायरेक्शन अनुसार उनसे न्यारा बनना, न्यारा और प्यारा बनना भी बाप के डायरेक्शन अनुसार न्यारा बनना है। यदि बाप के डायरेक्शन को बीच में से निकाल दिया तो न्यारापन सन्यासियों वाला हो जाए, निर्वृत्ति मार्ग वाला हो जाए। हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास और उनका है निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते, तुम बुद्धि से सारी दुनिया का, वो तो थोड़े से लोगों को छोड़कर जाते हैं। शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज समझाते हैं, रोज क्या समझाते हैं, आधा कल्प की बेसमझ है ना, हमें आते आते बाबा क्या कह रहा है, आधा कल्प की बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए, सारी दुनिया में हर आत्मा को क्या चाहिए, शांति चाहिए। आत्माएं सब असुर रहने वाली भी शांति धाम की ही है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर, अब तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो,
कहते हैं ना शांति देवा, सबकी आत्मा को शांति देना, मंत्र भी गा देते हैं सब जगह शांति हो। हमको इस दृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ या शांति का वर्षा दो, देवताओं के आगे या शिव बाबा के आगे ये जाकर कहते हैं कि शांति दो। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है शांति का साधन। अब तुम शिव बाबा से शक्ति शांति का वर्षा ले रहे हो, बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर, नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम जाना है जरूर तुमको, और जो याद नहीं करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। फिर क्यों याद करें, क्यों मुसीबत ले? याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा सिर पर है, वो खत्म। पापों का, अनेक जन्मों का, इस जन्म का जो बोझा है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए बाप को याद करते। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वो सुख है और शांति का, सुख और शांति का सागर है। वे चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंधन भी है। जीवन मुक्ति होती है सत्ययुग त्रेता, जीवन बंधन होता है द्वापर कलयुग। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति का वा सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चे समझ। गति कहा जाता है शांति धाम को और जीवन मुक्ति कहा जाता है सुख धाम। सुख धाम, शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्मा को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बाबा कहता है याद करो तो भी जरूर जाओगे, नहीं करोगे तो भी तुम जाओगे जरूर। क्या फर्क होता? बोझा लेकर के जाएंगे, एक बोझा छोड़ कर। जो चीज एक्स्ट्रा जुड़ती है उसे बोझ के, क्योंकि जब हम आत्माई परम धाम से आए तो हमने एक्स्ट्रा बहुत जोड़ लिया, एक्स्ट्रा बहुत जोड़ लिया, जोड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो जुड़ रहा है।
अब ये उतरेगा कब, जब उसको हटाएंगे। और बाबा आया है हमें यही समझाने के लिए कि ये सब इस दुनिया का है, इस दुनिया में छोड़कर तुम आत्मा को भर, इसलिए आत्माभिमानी बनो, इसलिए आत्म अभिमानी बनो, तो ये बोझे उतरेंगे। यदि आप कहीं भी जरा अटैचमेंट रहे आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा पवित्र बन गई फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, ये कैसी दुनिया है, अपवित्र दुनिया है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है, राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य में अपवित्र दुनिया होती है, ये बना बनाया खेल है ना, ये बेहद का बाप समझाते हैं, इनको ही सत्य कहा जाता है। बातें तुम संगम पर ही सुनते, ये सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो, द्वापुर से फिर रावण राज्य शुरू होता है, द्वापुर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा, असुर कभी सत्य नहीं बोलते, असुर कभी सत्य नहीं बोलते। इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, सोना चांदी तांबा और सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में, फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा मिक्स हुआ, फिर बाबा आते हैं वो सारा निकाल, वो सारा फिर क्या बना देते हैं, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना, 24 कैरेट पूरा शुद्ध सोना बना देते। पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। तुम आत्मा सोना हो,
योग बल से सारी खाद निकाल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम गोल्डन एज नहीं कहा गया, शांति धाम को या शांति धाम में गोल्डन एज नहीं कहा गया। ये गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन ये यहां कहा जाता है, शांति धाम में तो बस शांति। तो आप बच्चों को क्या करना है, पहले पहले शांति धाम में जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, टाइम तो लगता, टाइम तो जितना टाइम बाप यहां रहते हैं, ये गोल्डन एज एज में पार्ट लेते हो ना, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है गोल्डन एज्ड जीव आत्मा। पहले पहले जब परमधाम से सतयुग में आत्मा आती है तो उसे कहा जाता है गोल्डन एज्ड जीव आत्मा। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज्ड आत्मा, नहीं, गोल्डन एज्ड जीव आत्मा फिर सिल्वर एज्ड जीव आत्मा होती है। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी है। तो क्या करना चाहिए, दुख धाम को सन्यास उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़कर जंगल में जाते, उनको ये पता ही नहीं कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, ये सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल, ये फैक्ट्रियां भी दुख देने के लिए क्या करती हैं, पोल्यूशन वह है फूलों की दुनिया। ये भक्त सन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उनका है निर्वृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम पवित्र जोड़ी थे अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं, सन्यासी तो आते ही बाद
इस्लामी बौद्धि बने हैं उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते, इस्लामी बौद्धि बनने आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं, तो ये झाड़ भी याद करना है। क्योंकि खुद परमात्मा आकर समझाते कि बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं, तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा एक बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए, सदैव वो पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की दरकार ही नहीं रहे। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर के सुख शांति देते हैं, अशांति में रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है वही आकर के सुख शांति, वहीं तब जाकर के आते हैं। सुख शांति देने के लिए बाप आते हैं तो फिर अशांति में उनकी याद आ, बाप की याद कब आती है, जब अशांति। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू हो जाता है, बाप समझाते हैं हर 5,000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। पहला नंबर मूल है देह अभिमान, इसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अभी बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, ते ही अभिमानी बनो, आत्मा को भी पहचानना चाहिए ना। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकती है, अब तुम समझते हो वो है अकाल मूरत, और उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त ये शरीर है, आत्मा बैठती भी ब्रिकुटी में है, अकाल मूरत का ये तख्त है, सब चैतन्य अकाल तख्त हैं, ये वे अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना हुआ है। बाप ने तो समझाया है जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका अपना अपना अकाल तख्त है, आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। आपका अकाल तख्त अलग अलग है, अकाल तख्त शरीर के साथ होता है, सबके अकाल तख्त अलग अलग है, सब आत्माएं भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठती हैं, यही अकाल तख्त। अलग अलग इसे अकाल
आत्मा के बैठने का स्थान, लेकिन आत्मा के कारण है, वरना तो ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। जिसका काल ना आए, आत्मा का काल कभी नहीं आता। अकाल आत्मा के बैठने का बस। तो वंडरफुल बात है ना कि अकाल तक सबके अलग। सत्य अकाल, आपका अकाल, आप आत्मा का अकाल तक अलग, इन आत्मा का अकाल तक है, तो अलग अलग ना। मेरी कुर्सी अलग है, आपकी कुर्सी अलग है, इन सबकी कुर्सी, हाँ, बस सबकी कुर्सियां अलग अलग है ना। सब आत्माएं अपनी सीट पर बैठती हैं, उस स्थान को अकाल आत्मा के बैठने का तख्त कहो, सीट कहो, कुर्सी कहो, गद्दी कहो। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एज तख्त मिलता है। पहले गोल्डन तख्त सत्ययुग में, फिर उसको सिल्वर, कॉपर, आयरन एज कहते हैं। और फिर गोल्डन एज तख्त चाहिए तो पवित्र जरूर है, क्योंकि जैसी आत्मा होगी वैसा उसको तख्त मिलेगा। अब बाप समझाते बच्चे, अपने शांति धाम को याद करो तो तुम्हारा असली, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, सुख धाम को याद करो। इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं कि सन्यासी मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वे एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग का। बाप समझाते हैं वो एक तरफ अच्छा और दूसरी तरफ बुरा। सोचो कैसे अच्छा होगा, कैसे होगा, विचार करो। तुम्हारा तो अच्छा है, उनका आर्योग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वहां मार्ग में जाते तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व का सदगति दाता बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश। भारतीय अविनाशी खंड है, बाप को भी आना यहां होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ, सर्व की सदगति बाप ही आकर करते, इसलिए भारत ही ऊंचे ते ऊंचा देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो,
गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कहते कोई संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ाता, बाप तो मन मना भव कहते हैं। इसका अर्थ है अपने मन को बैठकर मना। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो पढ़ाते। या नादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इतनी छोटी सी आत्मा ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनको बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम वो शांति धाम में आराम करती। पिछाड़ी में जो आत्मा आती है उनका बहुत थोड़ा पार्ट, बाकी टाइम शांति धाम में रहती, एकदम परम धाम में बैठी रहती है। स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख और थोड़ा दुख पा लेते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर पैदा होते हैं और ढेर के ढेर मर जाते हैं। तो मनुष्यों को भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में आने वालों को क्या वैल्यू होगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे ना, तुम बाप समझाते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, और तो मनुष्यों को भी ऐसे पिछाड़ी में आने की कोई क्या वैल्यू रहती है। जैसे जानवर में सोचो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के झाड़, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि को होती है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, मुख्य बात बाप ने इशारा दिया, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझ एक बाप को याद। 8 घंटा बाबा देखो कितना कमाल की बात समझाते हैं। सत्युग में मनुष्य कितना थोड़ा समय, कलयुग में कितना वृद्धि को पाता जाता है। मुख्य बात बाप है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखरीन बाप पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, वजीफा भी मिलेगा। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना क्या लेना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर पद भी कम। सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक जन्म लेते रहते हैं, इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। वे फिर सेंसिबल भी है, समझदार भी हैं,
भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, समझदार थे। सो अब फिर नॉन सेंसिबल, ना समझ गए। क्योंकि वो समझदार हैं, पर भारत वाले क्या हो गए हैं, क्योंकि 100% सुख पाते हैं फिर 100% दुख भी पाते हैं। वो आते ही 50 में हैं, वो कम सुख पाते हैं तो कम दुख। बाप ने समझाया क्रिश्चियन डायनेस्टी का कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है, क्रिश्चियन ने राज्य छीना फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उनको भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, विदेशों से पैसा यहाँ आ रहा है उल्टा। यहां से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां लूट कर ले गए। बहुत धनवान बने हैं, तो आप फिर धन पहुंचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं, वापिस तो करना नहीं, वर्ल्ड बैंक से ले लो जितना पैसा लेना। तुम वो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वे फिर ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वंशी, फिर शूद्र वैश्य, फिर शूद्र वंशी बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्या बनेंगे, देवता। हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ अच्छी रीति याद रखना, चार युग हैं तो ये बाजोली का खेल है, जिसको समझना बहुत सहज है परंतु माया भुला देती है, फिर देवी गुण से आश्री गुण में ले आती है। अपवित्र बनना आश्री गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे, गोल्डन एज सतयुग के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ऐसे दुख धाम से तभी मुक्ति मिलेगी, अपने असली निवास धाम शांति धाम में और सुख धाम में जाएंगे, जहां देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं दे। स्लोगन है, ये वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक। रूहानी माशूक के आकर्षण में, वो हम सबका साज है, हमने उसकी तरफ उन्हें आकर्षित
क्या क्या है उसमें जो हम उसकी तरफ आकर्षित हों, है बाबा के पास कुछ जिसकी तरफ हम आकर्षित हों। शरीर तो है नहीं, पता नहीं सुंदर शरीर होगा तो आकर्षित हो जाए, उसके पास गुण है, उसके पास गुण है, उन गुणों को समझना है कि वो गुण मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, तो उसे याद करना क्या हो जाएगा। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं, रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए, जब ऐसी आशिक जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। लकीर के अंदर पहुंचना समझते हैं, सीता को लकीर के अंदर खड़ा किया था हनुमान ने, लक्ष्मण ने, सॉरी लक्ष्मण ने, लक्ष्मण रेखा के नाम से उसे कहते हैं, तो ताकि कोई भी शत्रु अंदर घुस नहीं सकता, कोई भी शत्रु अंदर घुस नहीं सकता। वास्तव में बाबा कहते मेरी डायरेक्शन ही ये काम कर, अनेक प्रकार की मेहनत, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा के डायरेक्शन पर चलते जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत नहीं। जहां मेहनत करनी पड़ेगी जब हम बाप के डायरेक्शन को छोड़ेंगे, फिर सोचेंगे इसकी बात माने कि उसकी बात माने कि उसकी बात, क्योंकि ये ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, शांति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देते। बाबा की जो मुरली है ये ज्ञान सागर की क्या है, लहरें। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया, ये आशिकों के लिए माशूक के लिए माशूक कितना काम करता है, ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों और माशूक के लिए, ये मनोरंजन है, मुरली सुनना मनोरंजन, बाबा से मिलना मनोरंजन, बाबा से मिलन मनाने का, ये बाबा ने बनवाया। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एक अनामी वाले बने। एकांतवासी माने एक बाप के सिवाय और किसी का डायरेक्शन दिखाई सुनाई ना दे, बुद्धि में ना घुसे, सिर्फ एक बाप की मनमत, और दूसरा है एकानामी, बचत करने वाले, और एक नामी एक बाप का स्मरण करने वाले। ओ Thank you.
एक काम तुम्हारे।